G20 का जो सम्मेलन भारत में उसका आयोजन हुआ, ऐतिहासिक रूप से यह आयोजन रहा। सभी देशवासियों को G20 के ऐतिहासिक आयोजन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, सभी देशवासियों को गर्व की अनुभूति है। हम सभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ से अभिनंदन करते हैं और उनको बधाई देते हैं। भरतपुर में एक दुर्घटना हुई, उसके लिए शोक व्यक्त करते हैं। हमारे कार्यकर्ता लगे हैं वहां जाकर के, देख रहे हैं कि अधिक से अधिक कैसे मदद हो, लोगों को लाभ मिले, अपने गंतव्य तक पहुंचे, उस कार्य में लगे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज और बड़ा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ज्वाइनिंग का सिलसिला पिछले 6 महीने से चलता आ रहा है। आपने अनेकों अवसरों पर देखा समाज के प्रबुद्ध जन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता, सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। आप सभी को ज्वाइन करने से एक बात तो स्पष्ट है कि प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल होनी है, ऐतिहासिक विजय इस बार हासिल होगी। और 2024 में पुनः हम सभी की सभी लोकसभा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के गहलोत सरकार में महिला अत्याचार नंबर 1 पे है, अपराधीकरण नंबर 1 पे है और करप्शन भी नंबर 1 पे है। ये सरकारी डाटा और सरकारी आंकड़े बताते हैं, सरकारी रिपोर्ट करती है। डीजल पेट्रोल का दाम नंबर 1 पे और जितने भी कुशासन के पैरामीटर्स हैं, सभी पैरामीटर पे नंबर 1 को आ रही है। तो कांग्रेस की गहलोत सरकार आ रही है। राजस्थान की जनता ने यह संकल्प ले लिया है कि आप गहलोत सरकार की ऐसी विदाई होगी कि 20 साल तक कांग्रेस कभी भी सत्ता में आने की सोचेगी नहीं। आप सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आज पार्टी ज्वाइन की है। उसी के साथ साथ कांग्रेस के जो शासन यहाँ पे है वो जंगल राज, युवाओं के प्रति जो लगातार पेपर लीक जैसी अन्य जो समस्याएं उसके से त्रस्त होकर के, किसानों की दुर्दशा जो है उसको देख करके पार्टी को ज्वाइन किया। मैं किशन राम जी, किशन राम नाई जी, इतने वरिष्ठ नेता नाई समाज का पूरे राजस्थान में आपका प्रभाव भी है और आप 3-3 बार विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मेघवाल भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं करवाई, इन्हीं की सत्ताधारी पार्टी के विधायक महिला विधायक के लिए मैं भी सरकार में आज सुरक्षित हूँ। इन्हीं की पार्टी के एक विधायक भ्रष्टाचार के मामले में अपना सुर मुड़वा लिया, इस सरकार को विधायक उन्होंने पहले से ही तय कर दी। आज इन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने कहा कि इसके अभियान में 50% काम नहीं होगा। इन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने कहा कि पेपर लीक में ये पूरी सरकार लिप्त है। इन सारी बातों को देखते हुए इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। श्री किशन राम जी भाई जो 3 बार के विधायक रहे हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। श्री राजेंद्र वर्मा जी जो मेघवाल समाज के महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, सेवानिवृत्त अतिरिक्त कमिश्नर ट्रांसपोर्ट रहे हैं, ये आज भारतीय जनता पार्टी की
सदस्य ग्रहण करें, एक बार जोरदार ताली बजाकर।